कांधे पे बोरा, पैरों में हवाई चप्पल पहने अंडमान और पोर्ट ब्लेयर जैसे जगह से 180 प्रवासी मजदूर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। इंडिगो की विशेष विमान से आए मजदूरों की टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उन्हें भोजन का पैकेट दिया गया, फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें उनके जिलों की ओर रवाना किया गया। बाई फ्लाइट आए हुए हैं अंडमान से, जिसमें टोटल संख्या 180 है और इनकी प्राइमरी स्क्रीनिंग की गई एयरपोर्ट पर, और उसके बाद जो भी असिम्प्टोमेटिक पाए गए हैं उनको हम लोग बसेस के माध्यम से उनका जो भी ज़िला है उसमें हम लोग भेज रहे हैं। काफ़ी संख्या में अननोन पर्सन्स थे जिनको अपने ज़िला का जो प्राइमरी हम लोगों को डेटा मिला था उसमें नहीं था, तो यहाँ पर पूछने के उपरांत हम लोग उनको बस मुहैया कराए हैं। टोटल 7 बसेज हैं, 2 रिजर्व में हैं, तो जिसको भी जहाँ भी जाना होगा उसके लिए पूरी व्यवस्था। अंडमान से आए मजदूरों में बोकारो के 1, गिरिडीह के 1, गोंडा के 3, साहिबगंज के 22, दुमका के 33, सिमडेगा के 22, पलामू के 3 समेत कुल 180 प्रवासी मजदूर शामिल थे। अंडमान से आए ये मजदूर अंडमान में सड़क निर्माण का कार्य करते थे। सभी यात्रा से फ्री से आना पड़ेगा। हम डिस्ट्रिक्ट का नाम हुआ, कैसे कैसे आए वहाँ से? बस हम लोग का बॉर्डर रोड में काम हुआ था, चंद्रनकुल किया। मजदूरों ने इसके लिए राज्य सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि वह विमान से रांची आए हैं। उन्होंने कभी जिंदगी में हवाई यात्रा नहीं की, इसलिए यह एक सुखद एहसास है। वहीं मजदूरों का स्वागत करने आए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर व झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मजदूरों के स्वागत के लिए खड़े रहे और उनका हाल चाल जाना। आज के दिन इस दौर में पूरे देश के अंदर हम लोगों का प्रवासी मजदूर की समस्या घर घर वापसी की, और हम लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि प्रवासी मजदूर के वापसी में सबसे पहले झारखंड ही में ट्रेन चली है। इसके बाद जो मुख्यमंत्री जी का एक कमिटमेंट था कि हम प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से भी अपना प्रदेश में लौटाएंगे, और ये दूसरी बार है कि हवाई जहाज से आज अंडमान निकोबार से हमारे प्रवासी मजदूर यहाँ पर पहुँचाए गए हैं। निरंतर हवाई जहाज से हमारे जो ऐसे दुर्गम स्थानों पर, दुर्गम जिलों में हमारे झारखंडी मजदूर भाई फंसे थे, और उसका सिलसिला परसों से शुरू हुआ है जो हवाई जहाज से लाने का, और आज झारखंड राज्य पूरे देश में सबसे अग्रणी राज्य बन गया है कि जब ट्रेनों से सिलसिला जारी हुआ तो सबसे पहली ट्रेन ही भी झारखंड में आई और सबसे पहला हवाई जहाज भी झारखंड में आया, और अभी और भी मजदूर भाई हमारे फंसे हुए हैं। आज कल 60 मजदूर आए थे, परसों 180 आए थे, आज फिर 180 आए हैं, और निरंतर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नज़र बनाए हुए हैं कि जहाँ जहाँ और भी ऐसे दुर्गम स्थानों पर हमारे झारखंड के मजदूर भाई फंसे हैं वहाँ से हवाई जहाज़ से, जो उन्होंने कहा था पहले कि ज़रूरत पड़ी तो हम हवाई जहाज़ से भी अपने मजदूर भाइयों को अपने प्रदेश में, अपने जिलों में लाएंगे, और उन्होंने जो कहा वो अब धरातल पर दिख रहा है। लगातार प्रवासी मजदूरों का झारखंड आना देखा जा रहा है। वैसे में आज अंडमान निकोबार से 180 मजदूरों का यहाँ रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आना हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी और इस वक्त पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर अगुवाई करते हुए सभी मजदूरों को दिलासा दिलाया कि अब वह अपने घर में सुरक्षित पहुंच चुके हैं, और आगे भी जो भी मजदूर वहां फंसे हुए हैं लगातार उन्हें किसी भी हद तक हवाई जहाज से भी लाया जा सकता है। ओंकार आवामी के लिए रांची से कौशल कुमार।